हम लोगों को समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बंधु संघ कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज लेकर आकर के राष्ट्रीय ध्वज फहराने की उनकी मंशा थी। हम लोगों को व्यक्तिगत तो कोई बातचीत हुई नहीं, समाचार माध्यम पत्रों के माध्यम से बातचीत हुई है। तो हमने भी अपने संघ कार्यालय पर, संघ कार्यालय सबके लिए खुला है, इधर संघ कार्यालय पर उनके स्वागत की पूरी व्यवस्था की है, चाय अल्पाहार पोहे की व्यवस्था की है, ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की पूरी व्यवस्था की है। अब वो आएंगे तो उनका स्वागत है और स्वागत की तो पूरी तैयारी कर रखी है। विरोध करने की स्थिति क्या है या उनका मंशा क्या है ये तो पता नहीं है, लेकिन इस प्रकार का इंदौर में तो मैं पहली बार ऐसा वो लोग फहराने आ रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद तो राष्ट्रगान होता है, तो राष्ट्रगान होगा। मैं तो केवल निवेदन करने गया था कि आप देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम की केवल बात न करें, तिरंगे झंडे की केवल बात न करें, उसको अपनाने का भी कष्ट करें, और इसीलिए हम वहाँ पर पहुँचे थे। उनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया, राजध्वज उन्होंने वहाँ पर हमको फहराने का अवसर दिया। लेकिन मेरा इनसे एक और निवेदन है कि परंपरा के अनुसार सुबह रोज सूरज की पहली किरण के साथ, यही नहीं समूचे देश भर के संघ कार्यालय पर राजध्वज का फहराना चाहिए। राष्ट्र ध्वज को अपनाने का काम भी करे।